हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ई डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक इतनी यूनिक सी रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप उसको कभी भी, जब भी आपका दिल करे, आप झटपट से उसको बना के खा सकते हैं। और इवन आजकल जैसे रमज़ान चल रहे हैं, तो आप इफ्तारी में भी इसको बहुत ही जल्दी से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। कोई भी इसमें झंझट नहीं है बनाने में। फटाफट ये जो मिर्ची बोंडा हम बनाने जा रहे हैं, झटपट से बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिर्ची बोंडा बना के रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मिर्ची बोंडा हम बना रहे हैं, उसके लिए पहला स्टेप तो हम ये देख लेते हैं कि ये मैंने शिमला मिर्च ली हुई है, और आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने इतने इतने मोटे स्लाइस में शिमला मिर्च को गोल गोल शेप में इस तरह से मैंने काट के रखा हुआ है, और बीच में मैंने इसका बीज निकाल दिया था। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इस तरह से शिमला मिर्च हम काट के रख लेंगे, और फिर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये मैंने उबले हुए आलू लिए हुए हैं, और साथ में ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी कि जैसे शिमला मिर्च काटते टाइम पे जो थोड़ी सी शिमला मिर्च बची थी, उसके कॉर्नर्स बचे हुए थे, उनको इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीकी से चॉप कर लिया है, और साथ में प्याज का यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी स्टफिंग बना के हम रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल ज़रा सा ऑयल गर्म करेंगे, उसमें साथ में ये प्याज और जो शिमला मिर्च के हमने पीस किए थे, जो छोटे छोटे से टुकड़े मैंने बताया कि अलग से मैंने चॉप कर लिए थे, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा मैं इसी में मैंने यूज़ करना अच्छा समझा, वरना फिर वो है कि उसको रखो या तो फिर किसी और वेजिटेबल में आप यूज़ करो बनाते टाइम सब्जी में। तो इसे सबसे अच्छा यूज़ है कि इसी तरह से, इसी जो ये हम बोंडा बना रहे हैं, इसी में अगर मिक्स करके इसकी स्टफिंग में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है स्टफिंग का। और ज़्यादा नहीं, बस एक मिनट के लिए प्याज को हल्का सा हमको भूनना है, और बस एक मिनट के बाद इसी में थोड़े से मसाले हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पिंच बस हल्दी डालेंगे, और हल्दी डालने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी स्टफिंग में लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्च रख सकते हैं इसमें। और साथ में थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसी के साथ में यहाँ पे ही नमक भी मैं यूज़ कर लूँगी, ताकि आलू में भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें रखना है। और बस उसके बाद में ये जो आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके बस दो मिनट के लिए हल्का सा हमें बस इसको भूनना है। और ये देखिए, बस दो मिनट हो गए हैं, स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है बोंडे की, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं। तो स्टफिंग भी रेडी हो गई, शिमला मिर्च ऑलरेडी मैंने कट करके रखी हुई है। तो बस अब इसको लिए हम थोड़ा सा एक बेसन का बैटर तैयार करेंगे, जिसमें कि हमें बोंडा डिप करना है। तो बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे हम बेसन लेंगे, और साथ में इसमें ये चावल का आटा डालेंगे, और चावल का आटा डालने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ में थोड़े से यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स हम डाल रहे हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके, चावल का आटा इसलिए मैंने ऐड किया है जैसे कि थोड़ा सा क्रिस्पी, और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। आप चावल का आटा है या फिर मक्के का आटा है, और दोनों में से कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक थिक बैटर इसका हमें रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है इसको, क्योंकि जो हम बोंडा बनाएंगे उसके ऊपर हमें इसकी कोटिंग चाहिए। तो एक थोड़ा सा थिक बैटर इसका रखेंगे, तो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और इस तरह से हमने इसका बैटर बनाया, लास्ट में इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं वापस से।
देखिए इस तरह से ये कंसिस्टेंसी इसकी हमें रखनी है, इतना ठीक हमें इसे रखना है। तो बस अब बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले एक ये मैंने बना के भी रखा हुआ है इस तरह से, और मैं एक आपको और दिखा देती हूँ। ये शिमला मिर्च हम लेंगे, तो अभी इसमें क्या करना है, इस तरह से हम इसमें आलू फिल करेंगे। एक साइड से इस तरह से हल्का सा आलू हमने फिल कर लिया, तो बहुत ही आसानी से इसे हमें पलटना है। ये देखिए इस तरह से पलट के, और ज़रा सा आप देख रहे होंगे जो भी गैप हल्का सा लग रहा है, तो दूसरे साइड से थोड़ा सा आलू लगा देंगे इसमें, और बस इस तरह से ये बना के हमको रेडी करके रखने हैं। और अभी साथ में जैसे देखिए आप, मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए बहुत ही आहिस्ते से उठाइएगा। तो इस तरह से ये मैंने एक बनाया है और साथ में ये मैंने दूसरा बना के रेडी किया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, इनको हम बेसन के जो हमने बैटर बनाया हुआ है इसमें डिप करेंगे और सीधे हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसको बेसन में डालेंगे और अच्छे से इसको बेसन इसके ऊपर कर देंगे, और साथ में इस तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। और बहुत ही आसानी से इसको इस तरह से उठाते हुए हम ऑयल में डालेंगे, और इस तरह से हम इसे ऑयल में डाल देंगे। सेम इसी तरह से सारे जो बोंडा हमने बनाए हुए हैं उनको हम इसी तरह से डिप कर करके ऑयल में बहुत ही आसानी से हमें डालना है, और दोनों साइड से पलटते हुए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही आहिस्ते से इसको पलटते हुए दोनों साइड से बोंडा बिल्कुल बढ़िया कलर आने तक हमें फ्राई करने हैं। एक एक करके मैं बहुत ही आहिस्ते से पलट रही हूँ इनको। और ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, क्रिस्पी से बिल्कुल। ये मिर्ची बोंडा बन के रेडी हो गए हैं, तो चलिए हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी से मिर्ची बोंडा बन के रेडी हो गए हैं। और आप लोग भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एकदम यूनिक रेसिपी है, और कितना सिंपल और इजी था इनको बनाना। और बल्कि मैं तो साथ में कहूँगी कि अभी जैसे रमज़ान चल रहे हैं, तो इफ्तारी में भी आप इसको बना के और सर्व कर सकते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और साथ ही साथ मेरी रेसिपी को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ई डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।